तस्मै श्री गुरवे नमः यों विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर रूप गोस्वामी जी की कृपा से हम लोग प्रजल्प के संबंध में श्रवण कर रहे हैं कि वास्तविकता में जो प्रजल्प है वो क्या है, यह विशेषता है इस सृष्टि का कि इसके अंदर कोई भी चीज त्यज्य नहीं है, सिर्फ उनकी दिशा को कृष्णोन्मुख करना होगा, बस कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है। क्योंकि किसी वस्तु का त्याग और ग्रहण के बारे में कोई विशेष महत्व नहीं है। तो यहाँ हमने करना क्या है कि त्यागना है तो सिर्फ एक ही वस्तु त्यागना है जो कि सबसे गंदा है, वो है मात्सर्य, ईर्ष्या, दूसरे को देख के जलने की जो वृत्ति। इस संसार के अंदर हर कोई अपने अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे अंदर के कामादि जो विकार है उस विकारों के द्वारा और ये जो वेगों के द्वारा प्रभावित होकर के जीव मात्सर्य से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इन वेगों को नियंत्रण करता है, जैसे कि बतलाया, जो ये सारे जो दोष है उन सब से भी रहित होकर जीने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर से मात्सर्यता का भाव स्वाभाविक रूप से चला जाता है। बाकी चीजें रहते हैं, उनको कृष्णोन्मुख करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो कृष्णोन्मुख होगा उसमें से मात्सर्य चला जाएगा। ईर्ष्या, किसी भी जगह पर ईर्ष्या ठीक होता नहीं, वो बड़ा गंदा है, वो पतन का कारण होता है। जहाँ ईर्ष्या हो जाता है वहाँ आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जीवन में। तो इसीलिए यहाँ पर बतला रहे हैं, यद्यपि ये सब चीज़ें भक्ति के लिए बाधक है, जब स्वसुख वांछा को उद्देश्य पे रख के मैं प्रजल्प करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो फिर वो मेरे लिए हानिकारक है, वो मेरे लिए हर तरह से हानिकारक है, वो ठीक होता नहीं। वो चाहे प्रयास ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए हानिकारक है। तो इसीलिए बोलो यहाँ प्रजल्प तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन सा, जो महापुरुषों ने जिस प्रजल्प को किया, जिस आचरण को किया, उसी को अपने जीवन में लाना चाहिए, तो फिर चलेगा सब। क्या चलेगा कि ये वो साधना के पथ पे अग्रसर होगा और उसका लाभ होगा। श्राम मृग्या
श्रेयसाम हेतु पंथः संथापवर्जित अनावाप्तश्रमं पूर्वे येन संतः प्रतस्तिरे। क्या बोल रहे हैं भक्तिरसामृत सिंधु के अंदर बतलाया, हमें उस संताप रहित और श्रेय साधन मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए जिस मार्ग पर हमारे पूर्व पूर्व संत महाजन अनायास ही विचरण करते आए हैं। हमें जो है संताप रहित और श्रेय साधन, कौन सा? कृष्ण भक्ति साधन, कृष्ण सेवा साधन, उसमें कोई संताप नहीं है। जो बाकी सब में संताप है, ताप है, लेकिन कृष्ण भक्ति में नहीं है, कृष्ण सेवा में नहीं है। तो इस कारण से बोल रहे हैं कि श्रेय साधन, क्या बोलते हैं, श्रेय साधन सहस्रेशु कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। सहस्रों श्रेय साधन है हमारे, मंगलकर साधन है, उसके अंदर जो अत्यंत दुर्लभतम क्या है, कृष्ण भक्ति। इतना सुलभ वाली उस तरह की वस्तु नहीं है। जब व्यक्ति ज्ञान का प्रयास में जाएगा, ज्ञान प्रयास के साथ अनुसंधान करने को जाएगा, तो उसके लिए वो सुलभ नहीं होता। कर्म प्रयास से, योग प्रयास से और चीज़ों के उस पे जाएगा तो वो संभव पर नहीं होता। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर किस मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए, जो महाजनों ने जिस मार्ग को ग्रहण करके पूर्व में अपने जीवन को सार्थक किया या अपने जीवन को जिस पथ के ऊपर विचरण कराया, उसी पथ का अनुसंधान हम लोगों को करना चाहिए। श्रील भक्त विनोद ठाकुर भी अपनी कृति में बोलते हैं, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। अगर थोड़ा बहुत भी बुद्धि है तो उसको जो है ये संसार के प्रति जो भाव है, मोह का जो भाव, उसको त्याग करते हुए नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, जो कृष्ण भक्ति है वो नित्य तत्व है, उसी का अनुसंधान करो, उसको ही प्राप्त करने का प्रयास करो, चेष्टा करो, ऐसे यहाँ बतला रहे हैं। वो हमें समझ कहाँ से आएगा, उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत बोल रहे हैं, तुम अपने दिमाग लगा के रास्ता खोजने का चेष्टा मत करो। क्या करना है, जो सत्पुरुष है, जिस मार्ग के ऊपर सुगमता से यात्रा किया, ऐसी जो मार्ग जो कि संताप रहित है, इसीलिए भक्तों के जीवन में संताप नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है भक्तों के जीवन में, यही विशेषता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और एक समय आता है जहां पर साधना करते करते वो भगवान के प्रति उनका प्रीति प्रबल हो जाता है, तो भगवत सेवा के पथ के ऊपर अगर उनको दुख भी मिल रहा है, वो दुख फिर दुख ही नहीं रहता है। प्राकृत रूप से तो उनको दुख होता ही नहीं है, और उस भूमिका में आने के बाद तो उनको दुख का तो कोई आभास ही नहीं होता। यद्यपि बाह्य दृष्टि से दुख की तरह प्रतीत होता तो भी उनके लिए वो परम सुख का साधन ही दिखाई देता है, यही विशेषता है। इसीलिए बता रहे हैं व्यास, सुख, प्रहलाद, श्रीमन महाप्रभु और उनके पार्षद भक्तों ने हमें जिस मार्ग का अनुसंधान दिया, वही हमारा महाजन पंथ है। ये जितने भी हमारे आचार्य गण हैं और जितने भी हमारे पूर्व सत्पुरुष हैं, वो लोगों ने जिस पथ को हमें दिखाया, उनका जो मार्गदर्शन दिया गया पथ है, वही हमारे लिए वास्तविक पथ है, वही हमारे लिए वास्तविक मार्ग है। इस पथ को छोड़कर हम नए नए अतिभक्तों का
उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं है। समस्त महाजनों ने हरिभक्ति के अनुकूल प्रजल्पों का आदर किया। हम इसे उपरोक्त स्थल पे दिखलाएंगे। तो यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं कि जो अतिभक्त जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही समझ जाते हैं वो। ऐसे लोगों के द्वारा दिए गए जो उपदेश होते हैं उसको सुनना वो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। मजबूर भी नहीं है उसको सुनने के, लेकिन फिर भी कोई मजबूर हो जाता है। मतलब अपनी ही विचार, अपने सिद्धांतों को, अपने प्रयोगों को जो व्यक्ति इन चीज़ों के अंदर लाके समझने का कोशिश करता है, वो वास्तविकता में अपने लिए भी और अपने अनुगत जनों के लिए भी हानिकारक ही होता है। यहाँ पर बताया जो आगे पूर्व निर्दिष्ट जो पात है, जो गुरुजनों के द्वारा, महाजनों के द्वारा जो हमारे पूर्व निर्दिष्ट साधना की जो प्रणाली है उसको ही अपने जीवन में धारण करके जो चलने का प्रयास करता है तो उसका साधना सार्थक होगा। और अपनी अनुभूतियाँ वही साधना करते करते, क्योंकि शास्त्र सीमित नहीं है, भगवान सीमित नहीं है, भक्ति सीमित नहीं है, भक्ति तो असीम है, भक्ति तो असीम है। इसीलिए एक भक्त जो व्यक्ति महाजनों के अनुगत करते हुए एक अवस्था को प्राप्त करने के बाद उसकी जो जीवन की उपलब्धियां वो भी वो निर्देश दे सकता है आगे जो और साधक होंगे उनके लिए, लेकिन उसका वो उपदेश, उसका वो निर्देश भी पूर्व आचार्यों के अनुरूप ही होना पड़ता है। अनुभूति और प्रस्तुति में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी जो आधार है वो हमारे पूर्व आचार्य जो महाजन हैं उन लोगों के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो वास्तविकता में लाभ नहीं हो पाएगा। बोलते इस तरह से जो महाजनों के हरिभक्ति के अनुकूल, हरि सेवा के अनुकूल, भगवत सेवा के अनुकूल जो प्रजल्प है उनको आदर किया जाता है। जैसे पूर्व में आगे में बताया कि प्रजल्प जैसे क्या है, कीर्तन, स्मरण और उसके बाद हरिकथा इत्यादि जो है, जो संत सत्पुरुषों का प्रजल्प यही है। तो वो बात करेगा तो भगवान का नाम के बारे में करेगा, कीर्तन करेगा तो भगवान का नाम का ही कीर्तन करेगा। लेकिन महाजन कीर्तन के नाम पर महाजनों के अनुरूप जो प्रजल्प है, मतलब कीर्तन को छोड़कर अपने स्वतंत्र भाव से अपने काल्पनिक शब्दों के द्वारा भगवान के लिए कुछ भी कीर्तन इत्यादि भी या कथा इत्यादि भी, स्मरण इत्यादि भी, चिंतन इत्यादि भी जो करते हैं वो भी श्रेयस्कर नहीं होता। कीर्तन वही गाना चाहिए जो कि हमारे महाजनों ने हमारे आगे रखा। श्री भक्त विनोद ठाकुर, श्री नरोत्तम ठाकुर आदि जो आचार्य गण हैं, इसके अलावा और जो भक्त लोग हैं, सूरदास जी इत्यादि जितने भी हैं, और जो वैष्णव गण हैं, उन सब का भी कीर्तन एक महाजन के हृदय से निकला हुआ जो उद्गार है, उन उद्गारों का जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो वो वास्तविक प्रजल्प होता है, वो वास्तविक प्रजल्प होता है, वो हरिभक्ति के लिए अनुकूल भी होता है, वो हरिभक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं, वो हरिभक्ति के लिए अनुकूल है। इसीलिए बोले श्रवण भी, कि ऐसा नहीं कि जो सुनने से मेरे कानों को आनंद हो रहा है,
मेरे जो वृत्तियां जहां पर बदलेंगे, मेरे वृत्तियां जहां पर सेवोन्मुख होगा, उस तरह की कथा का श्रवण वही वास्तविक प्रजल्प के अंदर आता है, क्योंकि उसके अंदर महाजनों का भाव है, उसके अंदर उन लोगों का भक्ति है, उसके अंदर बहिर्मुख जो प्रजल्प है वो कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और बोलते हैं हरिभक्ति के पथ में बाधक ये जो बहिर्मुख प्रजल्प हैं, उनको यहाँ पर 6 प्रकार से विश्लेषण करके हमारे आचार्य गणों ने दिखाया। वो क्या है? वृथागल्प। वृथागल्प क्या होता है? बोलते हैं ये अत्यंत अहितकर है। भक्ति साधकों का वृथागल्प ना करे, सत्संग में सर्वदा हरिकथा का श्रवण कीर्तन और निर्जन में हरिनाम का स्मरण करते रहना चाहिए। मतलब फजूल की बातें जो किसी काम का नहीं है, ऐसी जो बातें हैं उसको करना, बोलते वो ठीक होता नहीं है। यद्यपि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो फालतू की बातें हैं, अनावश्यक बातें, वो वृथागल्प के अंदर ही आ जाता है। वो भी एक स्तर पे आने के बाद अत्यंत हानिकारक हो जाता है। वो भी क्या करना चाहिए? सत्संग में सर्वदा हरि कथा को श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए और शेष समय में भगवान का नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान का नाम उच्चारण करते रहना, जाप करते रहना चाहिए। अनावश्यक बैठ करके वृथा वार्तालाप इत्यादि करना, जैसे अक्सर सब जगह होता रहता है, ट्रेन में जाओ ऐसे देखने में आता है। भक्त लोगों को तो संबोधित करना ठीक होगा नहीं, इसलिए एक बाहर का विचार से व्यक्ति से अपना घर नहीं चल रहा होता है, 4 आदमी वाला घर नहीं चल रहा होता है, लेकिन जैसे ट्रेन में जाते हो, 4 आदमी बैठते हैं, समय काटना होता है, किस प्रकार से देश को सुधार के सबसे ऊपर ले जा सकते हैं, वहाँ तक का सारे गाइडलाइंस वगैरह लोग लिख के दे देते हैं वहाँ पे, है ना? ऐसे खुद अपनी जीवन नहीं चल रहा है कि रो पीट के तो दिन काट रहे हैं, लेकिन फजूल की बातें जो सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश नहीं, ज्ञान नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक विचार हो, चाहे कुछ भी हो, किसी वस्तु को लेकर के विश्लेषण करने का मतलब भी तब होता है जब उसके संबंध में तुझे कुछ ज्ञान है, है ना? मैं किसी वस्तु के बारे में नहीं जानता, लेकिन बैठ करके इधर से सुन के, थोड़ा बहुत उधर से सुन के, आधे अधूरा बातों को लेकर, फिर उसके बाद उसको एक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर उसके ऊपर चर्चा इत्यादि करना, ये सब वृथागल्प है। चाहे वो बाहर का कर्मी व्यक्ति करे, चाहे ज्ञानी करे, कोई भी करे, और हानिकारक तो भक्त के लिए होता है। तुमको हरिभजन करने के लिए जो समय प्राप्त हुआ है, उस समय के अंदर ये बहिर्मुख चर्चाओं को करोगे, इस तरह का प्रजल्प करते रहोगे, वृथा चर्चा, निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं उसमें से, शेष में बोलते हैं वो ठीक होता नहीं है। क्या बोलते हैं? जैसे कि भगवद गीता जी में बताया, अहम सर्वस्व प्रभुवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं
कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बोलते हैं, भक्ति के साधकों को उपर्युक्त नियमानुसार अनन्य भक्ति का अनुशीलन करना कर्तव्य है। जो साधक है, जो भक्ति के पथ पे चलने वाले जो साधक है, उनके लिए क्या कर्तव्य क्या है, उनका परम कर्तव्य है कि वो भक्ति का अनुशीलन करें, सेवा का, हरि कथा कीर्तन और स्मरण आदि साधनों का अनुशीलन करना ही उनका परम कर्तव्य है। उसको छोड़कर यदि बहिर्मुख लोगों के साथ व्यर्थ बातों में ही दिन रात बीत गया तो तब क्या होगा, तब मेरे नाम का सर्वदा कीर्तन तो क्या बोल रहे हैं कि जो बाकी चीजों को लेकर उसी में उलझ जाएंगे, बहिर्मुख चर्चाओं को करते रहेंगे, वृथा गल्प को करते हैं, फालतू की बातें करते रहेंगे, तो फिर जो मेरा उपासना करना चाहिए, मेरे नाम का कीर्तन करना चाहिए, मतलब भगवान का नाम का कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, वो भक्ति अंगों का पालन, वो जो भगवान का उपदेश आदेश का पालन किस प्रकार से कर पाएगा। वो बोल रहे हैं अगर किसी से भी मिलते हो तो क्या करना है, हरिचर्चा करना है। ये बात है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। नित्यम हमेशा के लिए भगवत चर्चा में ही रहना है। ये जो भगवान गीता जी में आदेश कर रहे हैं, उस आदेश का पालन किस प्रकार से कर पाओगे अगर तुम अपने समय को वृथा गवाओगे, वो ठीक होता नहीं है। इसलिए यहां पर बता रहे कि उसमें जाना नहीं। साधकों के लिए संवाद पत्र का पाठ करना बड़ा ही हानिकारक होता है। संवाद पत्र जानते हो क्या है, न्यूज़पेपर है। बोलते हैं इसको पाठ करना अत्यंत हानिकारक होता है। हाँ, यदि उसमें किसी विशुद्ध भक्तों के संबंध में कोई लेखा दी है तो उसे पढ़ा जा सकता है। भक्तों के बारे में कुछ उल्लेख आता है तो उसको पढ़ा जा सकता है, अन्यथा न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़ना हानिकारक है। लेकिन इसमें भी एक विचार आता है, पढ़ना मतलब ऐसे पढ़ना कि एडवर्टाइजमेंट को भी छोड़ना नहीं, हर खबर को पूरी तरह से पढ़ लेना, वो ठीक होता नहीं। जब तक एक व्यक्ति इस संसार के अंदर है, संसार के साथ आदान प्रदान कर रहा है, तो उसको संसार के संबंध में किंचित ज्ञान होना अनिवार्य होता है। दीन दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, फिर हम ऑड मैन की तरह रहेंगे इस संसार के अंदर, वो ठीक होता नहीं। अवधूत अवस्था के अंदर, जहाँ पर सबसे एक उत्कृष्ट अवस्था में पहुँच जाने के बाद तो बात अलग होता है, लेकिन साधना के पथ पे थोड़ा सा जगत के विषय में ज्ञान रखना जरूरी है। उसके लिए कभी कभी अगर देखा जाता है तो वो दोष होता है, लेकिन आविष्टता की बात कर रहे हैं। पेपर ना आने पर रोटी अंदर नहीं जाता है, ऐसे जो आदतें हैं वो खराब है कि उसको पढ़े बिना, वो खबर लिए बिना कि रोटी भी अंदर नहीं जाता है, इस तरह का जो विचार है वो ठीक होता नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्यों ये पढ़ना हानिकारक है, पढ़ने के बाद व्यक्ति उसी चर्चा में, उसी चिंतन में, दिमाग में उन्हीं चीजों को लेके घूमता रहेगा। बोलते हैं ये सब हानिकारक है, वो अच्छा नहीं है, या अपने अंदर अंदर चिंतन करता रहेगा, या कोई सामने वाला मिलेगा उसके साथ में उसके संबंध में वार्तालाप करता रहेगा, ये सब तो वृथा गल्प है।
ये सब फालतू की बातें हैं जो कि हानिकारक है साधक के लिए। वो अपना संपूर्ण समय को भगवान की सेवा में दे नहीं पाता है। जो कई जगह पर भोजन इत्यादि करने के बाद जैसे चार आदमी बैठकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के चर्चा करते होते हैं, उस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत में आए हुए आचार्यों का अनुगत करते हुए साधन करना सहज नहीं होता, वो बड़ा कठिन होता है, वो बहुत कठिन होता है। होता है ना कि कई बार कि खाने के बाद जो है इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, उसके बाद उसके दिमाग में हर एक के दिमाग में जो जो बातें चलते हैं। चादर लाना महाराज जी कमरे से। वो सब जितने भी हैं वो बिल्कुल ठीक होता नहीं है। और जितने भी नवल इत्यादि पाठ करना वो भी ठीक नहीं होता। जो लोग नवल पढ़ते हैं, पढ़ना है बोलते हैं, सदग्रंथों को पाठ करना है, चर्चा करना है तो केवल भक्तों के साथ में चर्चा करना है, भगवत चर्चा को करना है, ये बात बता रहे हैं। लेकिन नवल पढ़ना, खबर पढ़ना, उसको लेके चर्चा करना, ये सब वृथा गल्प के अंदर ही आ जाता है। और क्या बोलते हैं, हाँ यदि श्रीमद् भागवत के जो उपाख्यान हैं उनको अगर पढ़ते हैं तो भक्ति में बाधा नहीं पड़ती, तो भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ता। शास्त्र आदि का जब हम लोग चर्चा करते हैं तो फिर वहाँ पर भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ता है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो कोई भी वस्तु का अगर हम लोग चिंतन करते हैं तो वो सब हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होता है। और क्या बोल रहे हैं, वितर्क, वितर्क भी बड़ा खतरनाक है, वो भी एक तरह का प्रजल्प है। वितर्क भी एक तरह का, एक प्रकार से भक्ति बाधक प्रजल्प है। इसका मतलब क्या है, ये न्यायिकों और वैशेषिकों, ये वैशेषिक मतलब क्या होता है महाराज जी? अच्छा, आप क्या कह रहे थे प्रभु? यू आर सेइंग समथिंग, गो ऑन, गो अहेड, से समथिंग, से एटॉमिक थ्योरी। हाँ, एटॉमिक थ्योरी, वैशेषिक मतलब एटॉमिक थ्योरी है। अच्छा, तो जो यद्यपि शास्त्र चर्चा की तरह प्रतीत होने के बाद भी इस तरह का जो विचार है, इस तरह की जो चर्चाएं, जैसे सांख्य विचार बोल रहे हो, सांख्य आदि विचार, ये सब चीज़ें वितर्क के अंतर्गत ही आते हैं। उससे क्या होता है, उनसे चित्त की निर्बलता और चंचलता बढ़ने के अतिरिक्त कोई सुफल नहीं होता है। जैसे
मतलब प्रकृति के संबंध में चर्चा और उसके बाद पुरुष संबंधी चर्चाएं जितने भी होते हैं शास्त्र के अंतर्गत भी आते हैं वो भी, फिर उसके बाद इस तरह के जो विचार होते हैं ये भी व्यक्ति को कमज़ोर कर देते हैं एक तरह से। ये जो चीज़ें हैं ये भी व्यक्ति को चंचल कर देते हैं, ऐसा नहीं कि स्थिर नहीं रहने देते, ये भी विशेष लाभ होता नहीं है। कि वो जब एक वस्तु को लेकर उसके अंदर मंथन करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं और खींचातानी करने लगते हैं, वो सब चीज़ें वास्तविकता में वितर्क के अंतर्गत ही आता है, उससे व्यक्ति को कोई विशेष सफलता नहीं मिलता, सुफल नहीं मिलता है। मतलब देखने में शास्त्र चर्चा लगने के बाद भी उसको उससे विशेष रूप से कोई फल लाभ होता नहीं है, जब तक कि वो शेष में भगवान ने जैसे माता देवहूति को बता दिया, भगवान ने तो उसमें प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में, कई चीज़ों के बारे में उनको बताया, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने उनको यही बताया सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, तुम सत्पुरुषों के पास जाकर मेरे वीर्यवती कथा का चर्चा करो, जिसका परिणाम स्वरूप में तुम्हारे जीवन के अंदर श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक अनुक्रम से श्रद्धा रति और भक्ति तुमको प्राप्त होगा, चरम प्रयोजन वही है। लेकिन फिर भी माता को बहुत सारी बातें बताया, उसी प्रकार से बहुत सारी चर्चाओं को करने के बाद भी विशेष सुफल प्राप्त नहीं होता अगर हम कृष्ण विमुख होकर के करते हैं। तो वितर्क के अंदर कृष्णानुकूल कोई भी चर्चा के लिए स्थान होता नहीं है, इस कारण से वो लाभान्वित नहीं होगा व्यक्ति। उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार से लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए बोले सुफल प्राप्त नहीं होगा। बहुत कुछ वहाँ पर जड़भरत जी ने भी रघुगण को बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तुम कौन सी तप त्याग इत्यादि की बात कर रहे हो, कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हो, कौन सी साधना की बात कर रहे हो, अगर महत्पुरुषों के चरण रस से अभिषिक्त नहीं हुए हो तो वास्तविकता में तुम्हें कोई भी ऐसी वस्तु के अंदर सफलता लाभ हो नहीं सकता, कोई भी साधना के अंदर। तो इसीलिए वहाँ पर सांख्य कर्म ज्ञान इत्यादि जो कुछ भी हैं उनमें विशेष रूप से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर वो श्री कृष्ण के भक्ति के अनुकूल ना हो, बहुत कुछ भगवान ने बोला कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में, कई चीज़ों के बारे में बोला, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपना सार संदेश भी दे दिया कि तुमको सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आना होगा, मेरे शरण में आना होगा। कई जगह पे बोला, कई तरह से बोला कि तुमको जो है हमेशा मेरा चर्चा करना होगा, मेरे शरण में आना होगा, मेरा भजन करना होगा, तभी इन सब चीज़ों की सार्थकता, अन्यथा ये सब चीज़ें केवल इसी प्रकार की चर्चा बन के रह जाएगा, विचार बन के रह जाएगा, लाभ बिल्कुल नहीं होगा। जीवों की सहज बुद्धि में सुमति नित्य वर्तमान होती है, जो भगवान के चरण कमलों में स्वभावतः अनुरक्त होती है। क्या बोलते हैं, जीवों के सहज बुद्धि में जो सहजता से मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, जो क्योंकि बुद्धि तो हर एक में होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं होता, बुद्धि का प्रयोग जब गलत हो जाता है तो दिमाग खराब है, बुद्धि नहीं है, ऐसे से बोलते हैं। बुद्धि
क्योंकि बुद्धि मतलब व्यक्ति हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि वो सुंदर होगा, सहज होगा, ऐसे जब उसके विरुद्ध दिखाई देता है तो बोलते बुद्धि खराब है या नहीं है। ऐसा नहीं कि होता नहीं, बुद्धि तो होता है, हरेक के अंदर होता है, क्योंकि बुद्धि एक सारथी की तरह है, उसके बिना वो रथ कैसे चलेगा। इसीलिए बुद्धि रहता है हरेक के अंदर, लेकिन भ्रष्ट हो गया होता है, बस इतना ही फर्क है। क्यों? भगवत विमुख होने के कारण। जो भगवान के चरण कमलों में उसके स्वभावतः अनुरक्त होने वाली बुद्धि है, लेकिन अलग अलग चीजों को लेकर व्यक्ति जब वितर्क करने लगता है, चर्चा करने लगता है इन चीजों को लेके, कि उसका हृदय इतना कठोर हो जाता है, कभी किसी देश को लेके, कभी किसी ब्रह्म को लेके, जो है ना, और उसके बाद किसी और चीजों को लेकर जब चर्चा करने लगता है, तो धीरे 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 हृदय उसका कठोर होता चला जाता है ये फजूल की बातों के कारण। पहले कोमल है, लेकिन उसके ऊपर ये सारी चीजें गिर गिर के वो पाषाण की तरह अंदर कठोर बना दिया उसको, यही चीजों को ऊपर डाल डाल के। कई लोग होते हैं वो 10 जगह सिर मार के, 10 चर्चाओं को करके, 10 चीजों के समझने का जो प्रयास में, किसी एक में भी परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाते। अब ऐसा भी ऐसे लोग देखा गया जो कि अद्वैत सिद्धांत को इतना ज़्यादा मान लेते हैं, उसके बाद अगर जितना भी भक्ति की बात बोलो, भजन तो करते हैं, लेकिन घूम फिर करके उनके जो वृत्तियां हैं उनको अद्वैत की तरफ ही ले जाता है, उनको अद्वैत की तरफ ही ले जाता है। एक जगह ऐसे ही कुछ चर्चा चल रहा था भगवान को लेके, वो फिर लास्ट में आके यही बोल के गया, आप भी तो वही अद्वैत की तो बात बोल रहे हैं स्वामी जी, कि उनके अंदर वो चीज घुस गया है। इसे किसी को कोई और चीज, किसी को कोई और चीज, जैसे जैसे उसके रुचि, ये सारे अंश में से चर्चा करते करते जिसका जहां पर ज्यादा ध्यान चिपक गया, लग गया है उसके ऊपर, फिर उसको जो मर्जी सिद्धांत बोलो, वो उसको उसी हिसाब से दर्शन करने का कोशिश करता है। जैसे मायावादी है, वो सोचता है कि जो है ब्रह्म का वास्तविकता में जो है कोई रूप है ही नहीं, वो तो साधक के हित के लिए रूप ग्रहण किया है, वो लीला मायाबद्ध लीला है, जीव भी जो है मायाबद्ध है, और जैसे ही माया से मुक्त होगा जीव का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, वो भी जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। ऐसे ऐसे उन लोगों के विचार जो रहते हैं, वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि कृष्ण कथा नहीं सुनता है, कीर्तन नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन शेष में उसकी जो समझ है उसको वहीं पे ले जाके छोड़ देता है। उसका घुमा फिरा के उसका जो सारांश जो निकालता है, वो अंत जो निकालता है, वो अपनी उस विचार जो जहां पर वो अपने आप को फंसा के रखा है वहीं पर ले जा करके छोड़ देता है। इसीलिए इस तरह की जो चर्चाएं, वैसे तो हृदय कोमल है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं को करते करते पता नहीं चलता कि किसका हृदय किस स्थान पे जाके अटक जाए, और उसके बाद जो मूल वस्तु है, जो सार वस्तु है, वो उसको ग्रहण करने के लिए योग्य ही नहीं रहेगा, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो बोलते इसीलिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए व्यक्ति का बुद्धि, व्यक्ति का हृदय इत्यादि, हृदय कठोर हो जाएगा, बुद्धि काम करना बंद हो जाएगा। और ऐसे में जो स्वाभाविक से जो शुद्ध जो व्यक्ति का मति है, वो वहां पर
समाप्त होता दिखाई देता है वहाँ पर, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जरूरत है व्यवसाय आत्मी का जो बुद्धि है, काम करने वाली जो बुद्धि, वो बुद्धि वहाँ पर काम ही नहीं करेगा, वो निष्क्रिय हो गया, क्योंकि उसने इतने कवाड़ आगे उसके अंदर भर लिया है। होता क्या है, घटनाएं नहीं रहते, लेकिन उसके जो छाप है, इम्प्रेशंस जो है, वो वहाँ पर रह जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर घटना सब कुछ याद रहता है, लेकिन उसके जो इम्प्रेशंस है, उसकी जो जो भी छाप होता है वो उसमें रह जाता है, वो भक्ति के लिए बाधक होता है। और विशेषता यहाँ का जो छाप है वो कभी भी जो है किसी से भी अरेज नहीं होता। जो दिमाग में जो छाप पड़ जाता है, जो बुद्धि में छाप पड़ जाता है, वो किसी चीज़ से अरेज नहीं होता, वो उसको मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे कहीं ना ये है कि वो चीज़ें कभी जागृत रहता है, कभी सूक्ष्म रूप से रहता है, ढका हुआ रहता है, या कभी ऐसे ढका रहता है कि उसको भी नहीं मालूम पड़ता, टाइम पे वो निकल के आता है, पॉपअप होता है ऐसे बट करके। इसलिए वितर्क में नहीं पड़ना है भजन करने वाला व्यक्ति को, वो बहुत खतरनाक है। यद्यपि शास्त्र की चर्चा की तरह प्रतीत होने के बाद भी जो चर्चाएं हानिकारक है, उस तरह की चर्चाओं में नहीं पढ़ना है। सृष्टि कैसे बना, ए कैसे बना, ओ कैसे बना, सही तरीका से जो बतलाने वाला होगा, भगवान के भक्ति के अनुरूप भगवान को केंद्र करके, तो इन चीज़ों को जानना ठीक होता है। अगर नहीं है तो यही चीज़ों का जो चर्चा इत्यादि है वो काफ़ी हानिकारक भी साबित होता है शेष में, क्योंकि वो भगवान के करीब नहीं जा पाता है, भगवान का नाम का आश्रय नहीं ले पाता, उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में घूमता रहेगा और उसका समय नष्ट होता रहेगा, बाद में बुद्धि भ्रष्ट होगा, समय भी वेस्ट हो गया, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया, तो उसके बाद उसका मंगल होने का कोई संभावना दिखेगा ही नहीं है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा।